हम सबसे फेवरेट यहाँ जो इंसानों में से टॉय है वो है ये लेगो का पुलिस ट्रक। और गाइस इसको सच में बनाने के लिए मुझे 6 आवर्स लगे, और यहाँ आप इसका मैनुअल भी देख सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है। यहाँ आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप ये ट्रक बनाएं या तो आप ये रोबोट बनाएं। वैसे मुझे सबसे अच्छा ट्रक लग रहा था, इसके फंक्शन भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने ट्रक को प्रेफर किया बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको अपना लेगो ट्रक दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ जो मेरा सबसे फेवरेट टॉय है ये है लेगो ट्रक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस ट्रक के साथ। गाइस ये जो है इसके साथ अटैच हुई हुई है, ये ट्रक है इसका। और यहाँ आप देख सकते हैं हम एक बंदा भी बैठा सकते हैं, यहाँ साथ में एक स्टेयरिंग व्हील भी दिया हुआ है। और उसके साथ यहाँ मैंने ये एक एंटीना टाइप ऐड किया हुआ है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कैबेज पे। तो ये जो आप देख सकते हैं इसकी, ये है इसकी लाइट्स। यहाँ काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है इसमें गाइस। तो ये इसकी रेड और येलो लाइट्स है जिनको आप ऐसे खुद घुमा सकते हो। उसके बाद ये जो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक एंटीना है। ओ गाइस निकल गया, चलो। तो उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है इसका इनसाइड। तो गाइस यहाँ जो आप देख सकते हैं ये इसका इनसाइड है। और यहाँ मैंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, ये लेगो इस ट्रक के साथ आए थे। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं अपना, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ एक गन भी रखी हुई है। अब आते हैं भाई गाइस जो आपको भी शॉक कर देगा, ये देखो गाइस इस ट्रक के साथ एक जेल भी दिया हुआ है, लाइक आप बिलीव कर सकते हो गाइस। और यहाँ इस जेल को खोले तो यहाँ 3 कैदी बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने खुद से ऐड किए हैं। चलिए अब अगले हम टॉय पे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टॉय है वो है ये बोट। ये गाइस देख सकते हैं ये बोट है, इसको मैनुअल इसके अंदर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं गाइस,
ये बोर्ड कितनी फिट लग रही है लाइक सच में। और यहाँ आप देख सकते हैं रोटेटर वाले, मतलब ये रोटेट हो सकते हैं। उसके साथ यहाँ मैंने गन्स भी अटैच की हुई है और यहाँ इसके साथ एक लाइट भी लगाई हुई है गाइस। इसमें तो इतना कुछ दिखाने वाला नहीं है, लेकिन अगली जो कार है गाइस आप उसे देख के हैरान हो जाओगे, वो मैंने इतनी अच्छी कस्टमाइज़ की हुई है। ये देखो गाइस, ये एक फरारी F1 का मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हो। सही लग रहा है लेकिन ज़रा सी बोरिंग लग रही है ना, तो इसलिए गाइस मैंने इस पर अपने खुद से ऐड की एक स्पॉइलर। यहाँ आप देख सकते हो गाइस कितना फिट लग रहा है ये स्पॉइलर। और गाइस अब सबसे ख़तरनाक बात, अगर आपको स्पोर्ट्स कार अच्छी नहीं लगती तो मैं आपके लिए इसको बनाने वाला हूँ एक मसल कार। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, अभी देखना गाइस आप हैरान हो जाओगे इतनी अच्छी है। ये भी गाइस मैंने खुद से ऐड की है, लाइक आप सोच सकते हो कितनी फिट लग रही है ये। वुँ वुँ वुँ। तो गाइस अब जो है मैं आपको अपनी आरसी कार दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको अपनी एंड्रॉइड आरसी कार दिखाने वाला हूँ। ये इसका रिमोट और ये कार है, जैसा कि आप देख सकते हैं लुक्स में काफ़ी शार्प है। इस पर एंग्री बर्ड्स बने हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको इनके फंक्शन की बात बताता हूँ गाइस। ये देख रहे हो ये स्पाइकी टायर्स होते हैं, ये इन्हें ऑफ रोड पर चलने की मदद करते हैं। ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल भी है, उसके साथ साथ ये एक रेसिंग व्हीकल भी है। उसके बाद में आपको आप इसका पीछे का दिखाता हूँ। ये देखो गाइस इसके साथ सस्पेंशन भी दिए हुए गाइस, ये काफ़ी फिट कार है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको अपनी अगली कार दिखाता हूँ। गाइस इसको रिमोट कंट्रोल कार तो नहीं, लेकिन इसे रिमोट कंट्रोल जीप बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसके दरवाजे ओपन और क्लोज होने का इसके अंदर फंक्शन दिया जाता है। यहाँ इसके टायर्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रिप है इनके अंदर, जिससे बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग करते हैं। और ये इसका रिमोट है। तो गाइस अब मैं आपको अपनी सबसे स्पेशल आरसी कार दिखा रहा हूँ। गाइस ये है एक BMW की कार, वो भी आरसी वाली। तो गाइस ये है इसका रिमोट। यहाँ गाइज ये तो मेरे बहुत अच्छी लगती है गाइज, ये एक स्पोर्ट्स कार है जिसके अंदर बहुत हैवी बैटरी डलती है। लेकिन गाइज अफसोस की बात, मेरा भाई इस गाड़ी पे अभी बैठ गया और उसने इसका शीशा तोड़ दिया। अरे वाह। तो गाइज ये जो है इसका बूस्ट अप का बटन है, इससे ये गाड़ी बूस्ट हो जाती है और ये आगे और पीछे और लेफ्ट और राइट, ये तो सिंपल है लेकिन इसके अंदर बूस्ट अप का काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। तो गाइज अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ना ही ये कोई रिमोट कंट्रोल कार तो नहीं है, ये एक सिंपल कार है। लेकिन ये सिंपल कार में बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, इसके फ्रिक्शन साउंड है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी गाड़ी है, ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ है गाइस। तो गाइस ये काफ़ी पुराने ज़माने की गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी अभी गाइस आप आवाज़ चेक करें है ना काफ़ी गाइस फिट। और गाइस जब भी आप इसको चला रहे होते हैं तो इसका इंजन भी गोल गोल घूम रहा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ गाइस एक ब्लू कलर का सा यहाँ बंदा टाइप बैठा है। और गाइस यहाँ से जो पेंट उतरा हुआ है, मैं इसे कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब भी मैंने बॉडी स्प्रे किया तो ये ज़रा से यहाँ पेंट उतर गया था, इसलिए ये ज़रा पेंट उतर गया। अब गाइस मैं दिखाता हूँ आपको मासी कन्वर्टेबल। गाइस ये गाड़ी काफ़ी क्लासिक गाड़ी होती थी और ये लाइक पुराने ज़माने में बहुत लग्जरी कार होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कन्वर्टेबल है और यहाँ रेनबो सीट्स कलर हुई हुई है। यहाँ ये मास्क का बंदा बैठा हुआ है, गाइस मास्क की कार है मेरी नहीं। और बाकी यहाँ इसका काफ़ी अच्छा सा रेड कलर हुआ है। और इसके साथ गाइस लेकिन इसमें कमी है, इसकी ये साउंड है मेरी वाली कार की और इसकी वाली कार की साउंड देखिए और इसकी। लेकिन इसका ये अच्छा फंक्शन है कि इसका जब भी आप चलाते हैं तो इसका बंदा हाथ उठाते हैं। और बाकी ये जो गाइस है, मैंने आपको ये मास की गाड़ी भी दिखा दी और वहाँ मास अपनी गाड़ी कस्टमाइज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक और ये मेटल किट है, ये जो होता है इसमें मुख्तलिफ तरह की आप कार्स बना सकते हैं। लेकिन गाइस लेगो बनाने इतना मुश्किल था तो इसका टाइम नहीं मिला, ये इंशाल्लाह किसी दिन किसी और ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगा। तो गाइस तो गाइस यहाँ जो आप ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक की कार है, ये मेरी बचपन की कार है, ये मैंने काफ़ी संभाल के रखी हुई थी अपने भाई से, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ, ये मेरी पुरानी बचपन की कार की कलेक्शन। तो गाइस यहाँ जो आप ये देख सकते हैं काफ़ी मुझे अच्छी कार लगती है, ये जो है ये मेटल कार है,
तो गाइस मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ जो बहुत स्पेशल है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इन दो ट्रक से। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाइस ये जो दो ट्रक्स हैं ये मेटल ट्रक्स हैं, दोनों थ्री व्हील ड्राइव है और ये मतलब वेट वगैरह लेके जाते हैं, बस शेप इनकी डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं इन दो जीप्स पे। गाइस ये जो है ये ओपन रूफ जीप है और ये मतलब इसकी जो रूफ है ये बंद हुई हुई, और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सेम है, बस इसके पीछे एक व्हील भी अटैच हुआ है और इसके पास भी। यहाँ गाइस अब मैं आपको अपनी बहुत ज़्यादा स्पेशल आरसी कार्स के बारे मतलब रेस कार्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये गाइस स्पेशली हॉट व्हील्स की कार है, आपको तो पता है हॉट व्हील्स की कार कितनी अच्छी होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी हॉट व्हील्स और बाकी इसके पीछे स्पॉइलर दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी फोर्ड की कार है। उसके बाद अगला जो है ये एक एलियन टाइप कार है, ये कॉन्सेप्ट कार है और यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो अभी देखिए क्या हो गया। तो गाइस ये आप देख सकते हैं इसका व्हील निकल जाता है। अगली गाइस ये गाड़ी आपको कॉमन लग रही होगी लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके पीछे NOS बूस्टर दिया हुआ है जो कि इसे बूस्ट करते हैं। ये असली तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी डिटेल दी हुई है। उसके साथ ये फरारी का एक क्लासिक मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और ये मतलब नॉर्मल टाइप है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये जो कार है ये एक सुपर कार है, स्पोर्ट्स कार टाइप कह सकते हो, और इसके पीछे यहाँ एग्जॉस्ट काफ़ी यूनिक से दी हुई है। उसके बाद अब गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये मेरी मैकडॉनल्ड्स की कार। गाइस चलो, तो गाइस ये जो है ये मैकडॉनल्ड्स की कार है और गाइस ये देख सकते हो आप। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कार दिखाने वाली हूँ, ये ब्लू कलर की है, ब्लैक इसकी विंडोज़ पेंट हुई हुई है और बाकी यहाँ इसके पास एक फंक्शन है जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली कार है और यहाँ इसके साथ भी यही फंक्शन है, काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। उसके बाद ये वाली कार है ये बुगाटी का एक मॉडल है, यहाँ आगे लाइट्स लगी हुई हैं और इसके पीछे इसका एक सही बात ये है कि इसके आगे नहीं इंजन होता है, इसके पीछे इंजन होता है और इसकी सीट भी खुलती है और यहाँ एक एक्स्ट्रा टायर है। उसके बाद गाइस ये जो है ये येलो कलर की मैकडॉनल्ड्स की कार है, यहाँ आप देख सकते हैं क्लासिक कार है और इसका इंजन ऐसे आगे यूनिक तरीके से खुलता है। तो गाइस अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ये चार स्पेशल कार्स के बारे में। गाइस इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके दरवाजे खुलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके दरवाजे खुलते हैं। अभी ये हो गए इधर टूट गई थी। उसके बाद ये जो है गाइस ये BMW की कार है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं इसके दरवाजे खोलते हो, इसका इंटीरियर इतना रियलिस्टिक है जैसा कि आप चेक करो इतना फिट इंटीरियर लग रहा है इसका। तो गाइस अब अगली जो कार है ये गाइस जिस तरह की बहुत अच्छी क्लासिक कार है, ये पुराने ज़माने की कार है, यहाँ आप इसका भी इंटीरियर देख सकते हो बहुत रियलिस्टिक है, हैंडल वगैरह दिया हुआ है और इसके ऐसे दरवाजे खुलते हैं, लाइक आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी कार है ये गाइस। ये एक ऐसा वाइड मॉन्स्टर ट्रक है जिसके दरवाजे खुलते हैं, ये देखो आप अंदर से भी देख सकते हो इनके, काफ़ी फिट मॉन्स्टर ट्रक है ये। और तो गाइस ये है जो गाड़ी जो माज ने कस्टमाइज की और बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी फिट लग रही है, यहाँ 73 इसके बोनेट पे लिखा है और काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार लग रही है, लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी कि माज ऐसी कार बना ली। उसके बाद ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसके बच गए थे और गाइस इसकी स्पेशल बात ये आप इससे 6 जिस तरह की अलग अलग की कार्स बना सकते हो। ये एक ट्रक है वाटर टैंक ट्रक, उसके बाद ये एक स्पोर्ट्स कार है जो अभी मेरे भाई ने बनाई है, ये फिर एक और फायर इमरजेंसी ट्रक है, फिर उसके बाद यहाँ एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ एक और ट्रक है और यहाँ एक और स्पोर्ट्स टाइप का ट्रक। होप गाइस कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, अगर आपको ये कार्स की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय 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 बाय।